हेलो एवरी वन वेलकम टू सी टू सी मेंटर्स माई नेम एज शैंकी एंड टूडे वील बी डिस्कसिंग अल आर डी आई सेट इन विच गेम्स एंड टूर्नामेंट्स इज कंसिडर्ड ओके एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जम्प ऑन टू द सेट राइट नाउ सो ये रहा बेटा आपका सेट ये रहा पूरा एक्वेटिक स्विमिंग स्विमिंग इज वन ऑफ द मेनी कॉम्पिटिशन दैट इज कंडक्टेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स ठीक है एक्वेटिक स्विमिंग्स जो है जो भी है इज वन ऑफ द मेनी कॉम्पिटिशन दैट इज कंडक्टेड इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिस कैटेगरी द एथलीट्स कम्पीट फॉर मेडल्स इन टोटल ऑफ ट्वेंटी इवेंट्स टोटल उन लोगों को बीस इवेंट्स में कम्पीट करना है इन एवरी इवेंट वन गोल्ड मेडल वन सिल्वर मेडल एंड वन ब्रॉन्स मेडल आर अवारेड टू द प्लेयर्स फिनिशिंग द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवलीस्पेक्टिवली समरी ऑफ द मेडल्स टेली एंड रैंकिंग फॉर दिस कैटेगरी इन द रिसेंटली कंक्लूडेड मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स इज गिविंग बिलो तो उन्होंने समरी बता दी बेटा कितने मेडल किसने जीते हैं एंड किसके अकॉर्डिंग किसका कितना स्कोर आ रहा है किसका कितना स्कोर आ रहा है येस वॉर नोम कुछ सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है सम ऑफ द वैल्यूज इन द टेबल आर मिसिंग सम एडिशनल फैक्ट बोल रहे बेटा इन दीज ट्वेंटी इवेंट्स ऑल द मेडल्स आर बॉर्न बाई एथलीट बिलोंगिंग टू द कंट्री मैं अब टेबल तो जितने भी बीस इवेंट हुए हैं उसके अंदर बीस इवेंट्स के अंदर जो गोल्ड सिल्वर की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो क्या होगी बेटा वो क्या होगी वो सर यही होगी ऑब्वियसली बात है वो सारी इन्हीं कंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया ठीक है नेक्स्ट है? बोल रहा है बेटा थ्री पॉइंट आर अवार्डेड फॉर अ गोल्ड मेडल टू आर अवार्डेड फॉर अ सिल्वर मेडल एंड वन पॉइंट इज अवार्डेड फॉर अ ब्रॉन्स मेडल ठीक है द टोटल पॉइंट्स ऑफ अ कंट्री इज द सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ फॉर गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल्स एंड ब्रॉन्स मेडल्स वन बाय द एथलीट्स ऑफ दैट कंट्री सिंपल पॉइंट अगेन विदाउट एनी लॉजिक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको द कंट्रीज आरैंक इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टोटल पॉइंट डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक है ये लोग और ऑलरेडी उन लोगों की रैंक प्रोवाइडेड है विच मीन्स कि जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स है वो यहाँ आएगा जिसके सबसे कम पॉइंट्स है वो यहाँ आएगा इफ टू कंट्रीज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स देन द कंट्री विद द हायर नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स इज रैक्ड हायर इफ द नंबर ऑफ द गोल्ड मेडल इज ऑल्सो इक्वल देन द कंट्री विद द हायर नंबर ऑफ सिल्वर मेडल इज रैंक हायर ओके देख लेते हैं वॉट आर द टोटल पॉइंट्स ऑफ इंग्लैंड इफ 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 मतलब कि मल्टीपल केसेस वाली प्रोबेबिलिटी बैठेगी इधर मल्टीपल केसेस वाली प्रोबेबिलिटी बैठेगी इधर तो बेटा देखते हैं एक बार के लिए देखते हैं साउथ अफ्रीका के टोटल पॉइंट्स अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कैलकुलेट करने हैं साउथ अफ्रीका के टोटल पॉइंट्स अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो कैलकुलेट करने दैट इज टू इंटू थ्री प्लस फाइव इंटू वन येस ऑन नो येस और नो येस और नो यहाँ तक समझ में आया क्यों क्योंकि गोल्ड गोल्ड मेडल यहाँ पे और ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे येस और नो तो मतलब इलेवन और यहाँ पे मान लो कि टू एक्स टू एक्स क्यों क्योंकि यहाँ पे इसने अगर एक्स पॉइंट्स जीते तो सिल्वर मेडल के टू पॉइंट है तो टू एक्स दैट हैज भी ग्रेटरटीन येस और नो येस और नो तो टू एक्स टू बी ग्रेटर देन और नो और और नो टू एक्स इज ग्रेटर ग्रेटरटीन माइनस इलेवन हो जाएगा ना बेटा सीधा सीधा तो एक्स टू बी ग्रेटर देन येस और नो यहाँ तक समझ रहे हो यहाँ तक समझ रहे हो अगर 19 से ज्यादा बड़ा होगा ये अगर 19 से ज्यादा बड़ा होगा तो ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है सोचो आराम से सोचो आराम से बेटा ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है ये क्या क्या वैल्यूज ले सकता है बेटा ट्वेंटी वन ले सकता है ट्वेंटी थ्री ले सकता है ये और नो यस और नो ट्वेंटी वन ले सकता है ट्वेंटी थ्री ले सकता है ये और नो यस और नो जल्दी सोचो जल्दी सोचो ठीक है सोच लिया होगा आई थिंक इतना तो मेडल कितने वॉर्न हो सकते हैं इन लोगों से मेडल कितने वॉर्न हो सकते हैं तो मतलब एक्स इज ग्रेटर देन फोर है ना यहाँ पे तो मतलब पांच या छह मेडल मैक्सिमम पांच या छह मेडल यस और नो अगर पांच मेडल लेगा अगर पाँच मेडल लेता है बेटा ये यहाँ पे x इज ग्रेटर देन फोर है तो मतलब दो वैल्यूज़ हैं फाइव और सिक्स अगर फाइव ले लिया यहाँ पे तो बेटा आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा सिक्स प्लस फाइव इलेवन इलेवन प्लस टेन ट्वेंटी वन इसीलिए बेटा ट्वेंटी वन लिया था ट्वेंटी नहीं लिया था ट्वेंटी पॉसिबल नहीं होगा ठीक है सिमिलर बेसिस पे ट्वेंटी थ्री लिया ट्वेंटी फोर होगा नहीं ट्वेंटी फोर तो हो ही नहीं सकता ये चीज़ आप लोगों को समझ में ही? ये चीज़ आप लोगों को समझ में ही येस और नो ठीक है चलो साउथ अफ्रीका वाला तो आप लोगों को क्लियर हो गया स्मार्ट लोगों को ठीक है स्मार्ट लोगों को क्लियर हो गया साउथ अफ्रीका वाला अगली कौन सी कंट्री पकड़ू सर अगली कौन सी पकड़ू स्कॉटलैंड देखो बेटा स्कॉटलैंड कितने पॉइंट है ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन सेवनटीन जो है सेवनटीन जो है यहाँ पे भी टू वाई लोगे एक बार के लिए टू वाई लोगे ना दैट हैज टू बी ग्रेटर देन नाइनटीन दैट मीनस टू वाई टू बी ग्रेटर देन टू ये सोनो वाई टू बी ग्रेटर देन वन येस और नो वाई हैज टू बी ग्रेटर देन वन ये चीज समझ में आई सबको तो वाई को अगर वन के इक्वल होना है तो टू या थ्री डालता हूँ अगर टू डालूंगा यहाँ पे देखो टू डालूंगा तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व फोर इंटू टू एट और ट्वेंटी फाइव हो जाएगा येस और नो येस और नो यहाँ तक समझ में आया यहां तक समझ में आया ट्वेंटी वन या ट्वेंटी थ्री तो उनका स्कोर कर सकते हो ना ट्वेंटी वन या ट्वेंटी थ्री तो उनका स्कोर कर सकते हो तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ठीक है यहाँ पे तुम्हें वाइज ग्रेटर देन वन चाहिए तो यहाँ पे तुम दो मेडल डाल सकते हो या तीन मेडल डाल सकते हो चार डालोगे तो तुम्हारा ट्वेंटी फोर से ऊपर टोटल चला जाएगा कोई सेंस ही नहीं है तो ट्वेल्व प्लस टू इंटू टू फोर प्लस फाइव कितना है बेटा ट्वेल्व और फाइव ट्वेल्व और फाइव कितना आ गया बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी हमने लिखा है बेटा यहाँ पे अभी ट्वेंटी वन या ट्वेंटी थ्री की ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन और फाइव यहाँ पे भी ट्वेंटी वन और कॉमा ट्वेंटी थ्री ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई ये yes सर नो no? क्यों क्योंकि तुम थ्री डालोगे तो फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स जब थ्री होगा यहाँ पे एटीन एटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आ गया इंग्लैंड का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे इंग्लैंड का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे क्यों बेटा यहाँ पे थ्री जेड ले लेना फिर टेन ले लेना फिर टू ले लेना दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन नाइनटीन येस नो दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन नाइनटीन येस ऑनो अब दोनों के अगर सुनो ढंग से दोनों के अगर ट्वेंटी वन पॉइंट्स होंगे तो दैट मीन्स कि इसके इसके ट्वेंटी वन से ज़्यादा ही पॉइंट्स होंगे येस और नो दैट मीन्स इसके ट्वेंटी वन से ज्यादा ही पॉइंट्स होंगे येस और नो येस और नो यहाँ तक समझते हो यहाँ तक समझते हो यस और नो तो क्या आएगा बेटा थ्री जेड प्लस ट्वेल्व इज ग्रेटर देन ट्वेंटी वन दैट मीन्स थ्री जेड इज ग्रेटर देन नाइन जेड इज ग्रेटर देन थ्री z इज ग्रेटर देन थ्री तो यहाँ पे जो ये विन कर रहा है मेडल्स ये तीन से ज्यादा है अगर ये चार मेडल विन करता है बेटा यहाँ पे चार मेडल विन करता है तो क्या आएगा ट्वेल्व टेन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू और टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी टू yes no? yes no? और टू ट्वेंटी फोर पॉसिबल पॉसिबल येस और नो येस और नो और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा ना हो सकता है ये तीनों कंट्रीज के ट्वेंटी वन आए हो ये तीनों कंट्रीज के ट्वेंटी वन आए हो येस और नो इसके मार्क्स कम तो नहीं आ सकते ना इसके मार्क्स कम तो नहीं आ सकते ना ट्वेंटी वन से तो हो सकता है ट्वेंटी वन या ट्वेंटी फोर में से कुछ इसके मार्क्स हो ये आप लोगों को मैंने कैलकुलेशन बता दी ट्वेंटी वन या ट्वेंटी फोर में से इसके कुछ मार्क्स हो यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक क्लियर है येस और नो यहां तक क्लियर है तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ये तीन या चार की है यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी थी यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी थी वो किसकी है वो किसकी है सोचो आराम से सोचो यहाँ पे क्या निकाला था बेटा अपन ने यहाँ पे क्या निकाला था दो या तीन पॉसिबल है दो या तीन पॉसिबल है येस और नो दो या तीन पॉसिबल है यहाँ पे दो या तीन पॉसिबल है और यहाँ पे पांच या छह पॉसिबल है ये चीज आप लोगों को समझ में आई ये चीज आप लोगों को समझ में आई येस और नो यस और नो बेटा हमें सिल्वर मेडल और इन सबका टोटल भी तो देखना है हमें सिल्वर मेडल और इन सबका टोटल भी तो देखना है चलो देखते हैं बेटा देखते हैं एक बार के लिए अगर इंग्लैंड के टोटल पॉइंट समझो बात को अगर इंग्लैंड के टोटल पॉइंट ट्वेंटी वन हो जाएंगे तो स्कॉटलैंड के पॉइंट भी ट्वेंटी वन है येस और नो अगर इंग्लैंड के टोटल पॉइंट ट्वेंटी वन हो गए समझो ट्वेंटी वन कब होंगे जब इसके तीन होंगे जब इसके तीन मेडल होंगे तीन मेडल अगर इसके हो गए तो थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन इंटू टेन नाइनटीन और ये ट्वेंटी वन ये ट्वेंटी वन हो जाएगा बट पॉसिबल है क्या अगर दोनों के ट्वेंटी वन हो गए समझो दोनों के ट्वेंटी वन हो गए तो बेटा एक प्रॉब्लम आ जाएगी ना कि ये कैसे फिर कम गोल्ड मेडल जीत रहा है ये तो ज्यादा जीतना चाहिए ना फोर्थ पॉइंट के हिसाब से ये तो ज्यादा जीतना चाहिए तो इंग्लैंड के टोटल पॉइंट्स क्या बेटा ट्वेंटी वन कभी भी हो सकते हैं नहीं सर इंग्लैंड के टोटल पॉइंट्स हमेशा ट्वेंटी फोर रहेंगे और यहाँ पे फोर आएगा सबको समझ में आया कि यहाँ पे थ्री क्यों नहीं आएगा सबको समझ में आया यहाँ पे थ्री क्यों नहीं आएगा येस और नो यस और नो येस और नो यस और नो अगर यहाँ पे फोर फिक्स आ गया बेटा तो यहाँ पे वन आएगा क्यों सर सर बी ही तो टूर्नामेंट हो रहे हैं देखो ना और छह दस चौदाह सोलह उन्नीस बीस सिंपल लॉजिक यस और नो येस और नो यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक समझ में आ गया पहला क्वेश्चन क्या था वॉट आर द टोटल पॉइंट्स ऑफ इंग्लैंड निकाल लिया आप लोगों ने बेटा ट्वेंटी फोर आर द टोटल पॉइंट ऑफ इंग्लैंड यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया येस और नो यस और नो आगे बढ़ते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं सिल्वर मेडल जो है सिल्वर मेडल जो है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि सिल्वर मेडल्स आगे बढ़ते हैं ओके इफ द कनाडा वॉन थ्री सिल्वर मेडल्स से कैनेडा ने अगर थ्री सिल्वर मेडल्स जीत लिए बेटा तो थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन और सिक्स नाइन और सिक्स बेटा फिफ्टीन हो जाएगा फिफ्टीन अगर ये हो गया तो यहाँ पे फोर ब्रॉन्ज मेडल होंगे येस और नो फोर ब्रॉन्ज मेडल होंगे येस और नो येस और नो यहां तक आप लोगों को समझ में आता है यहां तक आप लोगों को समझ में आता है येस और नो जल्दी बोलो ठीक है तो अगर ये कैनेडा ने जीत ली है तो ऑस्ट्रेलिया के पास ऑस्ट्रेलिया के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है बेटा ऑस्ट्रेलिया के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है दोनों केस लेके देखना पड़ेगा बेटा फोर भी पॉसिबल है थ्री भी पॉसिबल है टू भी पॉसिबल है कैसे बोल रहे हो सर बेटा ये करो वन और थ्री फोर फोर और फाइव ले लो एक बार नाइन नाइन और टू इलेवन इलेवन और फाइव कितना हो गया बेटा सिक्सटीन सिक्सटीन और फोर ट्वेंटी वन और थ्री फोर फोर और फाइव नाइन नाइन और थ्री कितना हो गया बेटा ट्वेल्व ट्वेल्व और फाइव 17 और थ्री ट्वेंटी वन और थ्री फोर फोर और सिक्स टेन टेन और टू ट्वेल्व टेन और टू ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व और फाइव कितना हो गया बेटा 17 हो गया अगेन फोर थ्री और वन और थ्री फोर फोर और सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व और थ्री नाइन फिफ्टीन टवेल्व और थ्री फिफ्टीन 15 और फाइव ट्वेंटी वन और थ्री फोर फोर और सिक्स टेन टेन और थ्री थर्टीन थर्टीन और फाइव एटीन एटीन और टू ट्वेंटी ठीक है बेटा यहाँ तक समझ में आ गया तीन केस थे ना तीन केस थे अभी तक तीन केस लेके चल रहे हैं अपन यहाँ पे तो फोर थ्री टू में से कुछ भी वैल्यू आ सकती है फोर थ्री टू में से कुछ भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई बट अगर सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने चार जीत लिए अगर सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने चार जीत लिए तो इसके पॉइंट्स देखो कितने हो जाएंगे सिक्स इंटू थ्री एटीन एटीन प्लस एट पॉसिबल है क्या 18 8, 24 है महाराज कैसे पॉसिबल है एटीन प्लस सिक्स में भी ऐसा होगा कि वो एक भी ब्रॉन्ज मेडल ना जीते एटीन प्लस सिक्स में भी ऐसा होगा ना कि वो एक भी ब्रॉन्ज मेडल ना जीते येस और नो येस और नो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि वो चार तो नहीं जीत रहा है पक्का ये तो हमसे श्योर हो गया ये अगर चार नहीं जीत रहा है ये अगर चार नहीं जीत रहा है तो हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे दो नहीं आ सकता कभी भी यहाँ पे टू नहीं आ सकता कभी भी ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो थ्री या टू की पॉसिबिलिटी है सिक्स इंटू थ्री एटीन एटीन और सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर यहाँ पे जीरो भी आ सकता है टू भी आ सकता है येस और नो यहाँ पे जीरो भी आ सकता है यहाँ पे टू भी आ सकता है यस और नो अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो टू टू फोर फोर और फोर एट एट और ये एटीन एटीन टू कॉमा फोर टू कॉमा फोर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई जो बना हुआ है लास्ट तो इसके टोटल पॉइंट्स ट्वेंटी फोर हो सकते हैं इसके ट्वेंटी फोर हो सकते हैं इसके ट्वेंटी थ्री हो जाएंगे फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व और सिक्स एटीन एटीन और फाइव ट्वेंटी थ्री टू इंटू कितना हो गया अभी तो इसमें तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स और टेन सिक्सटीन सिक्सटीन और फाइव ट्वेंटी वन भी पॉसिबल है टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स और सिक्स ट्वेल्व सिक्स और ट्वेल्व सिक्स और ट्वेल्व कितना हो गया फाइव ट्वेंटी थ्री दोनों पॉसिबिलिटी है अभी तक और वन और फोर फोर और टू और तो इधर क्या पॉसिबिलिटी है नाइन कॉमा सेवन पॉसिबिलिटी है मेरे से क्या पूछ रहा है बेटा इफ कैनेडा वन थ्री सिल्वर मॉडल मेडल्स हाउ मेनी सिल्वर मेडल्स डिड स्कॉटलैंड विड स्कॉटलैंड कितना जीत रहा है बेटा सिल्वर मेडल डेफिनेट हो चुका है बेटा थ्री जीतेगा इफ कैनेडा वन थ्री सिल्वर मेडल्स

सिल्वर मेडल्स पूछ रहा है यहाँ पे सिल्वर मेडल्स पूछ रहा है हाँ तो ठीक है कोई बात नहीं ब्रॉन्स अगर इसने यहाँ पे दो ले लिए तो सिक्स इन टू थ्री एटीन ये एटीन एन टू ट्वेंटी दो पॉइंट और चाहिए तो मतलब दो सिल्वर मेडल इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा दो सिल्वर मेडल्स आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा लर्निंग अच्छी हो रही होगी बेटा आप लोगों की ये डेली सेट्स रिवाइज करके ठीक है ये कंटेंट आता जाएगा फ्री में आप मेहनत करते रहो चैनल को बस लाइक करो सब्सक्राइब करो ऑटोमेटिकली कंटेंट आप लोगों के पास आता रहेगा टिल देन बाय बाय टेक केयर स्टे हाइड्रेटेड मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर बाय